तो फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में किया मोटर्स को जो अपार सफलता मिली है अपनी फर्स्ट गाड़ी सेल्टोस और उसके बाद कार्निवाल और सोनेट के द्वारा, तो अब किया मोटर्स नेक्स्ट स्टेप में एक और जबरदस्त गाड़ी लाने की तैयारी में है जो सीधे सीधे टक्कर देगी आपकी हुंडई की क्रेटा को, टाटा की नेक्सोन को और महिंद्रा की XUV 300 को। और बहुत ही जबरदस्त गाड़ी होने वाली है जो टोयोटा की भी बहुत सारी गाड़ियों के लिए तगड़ा कंपटीशन क्रिएट करने वाली है। तो काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स के बाद में अब किया अपने यूटिलिटी व्हीकल्स की रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर चुका है और अगले कुछ ही टाइम में कई SUV लॉन्च कर रहा है। उनमें से एक है सबसे पहले नंबर 1 पर सोरेंटो, जिसे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किया भारतीय बाजार के लिए सोरेंटो को लाने वाली है और इस पे राइट हैंड ड्राइव के लिए बनाया जा रहा है बिल्कुल इंडियन मार्केट के हिसाब से। और भारत में इसके आने के बारे में जो पर्दा उठा दिया गया है किया मोटर्स द्वारा, तो किया ने बताया है कि न्यू जनरेशन सोरेंटो SUV बिल्कुल ऑल न्यू जनरेशन के साथ और काफ़ी बड़े बदलाव के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी और साथ ही इसे बिल्कुल न्यू इंटीरियर दिया गया है। और ये न्यू जनरेशन N3 प्लेटफार्म पर बेस्ड है जो नेक्स्ट जनरेशन किया कार्निवाल में भी यूज किया गया था, यानी उसी पर ये बेस्ड होने वाली है। इसके अलावा ये कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल होने वाला है और अगर आप कंपेयर करें पुराने मॉडल से तो नई सेरेंटो का व्हील बेस 35mm ज़्यादा है और लंबाई भी 10mm ज़्यादा है। और SUV के बड़े हुए व्हील बेस से पीछे बैठने वाले पैसेंजर को इंटीरियर स्पेस ज़्यादा मिलने वाला है। इसके अलावा इस न्यू SUV सोरेंटो में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आप कमेंट्स करके भी किसी भी गाड़ी का लाइव रिव्यू देख सकते हैं अपनी चॉइस पर। तो बात करते हैं सोरेंटो की, तो सोरेंटो में कंपनी की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, फुल LED हेडलैम्प, अग्रेसिव बम्पर्स, फ्रंट में चारों ओर सिल्वर फिनिश दी गई है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वन टच ड्राइविंग कंट्रोल आपको मिलने वाला है इंटीरियर के अंदर, कंफर्ट्स मोड आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इको मोड है। और तो इन सारे मोड्स के साथ ये गाड़ी आने वाली है। स्पोर्ट्स मोड में आप गाड़ी को और भी ज़्यादा पावर दे सकते हैं। इसके अलावा SUV फ्लोटिंग रूफ के साथ में डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, इंटीग्रेटेड वन टच ड्राइविंग कंट्रोल है, टेरेंट मोड्स के अंदर आप देख सकते हैं। और नई सोरेंटो के बैक की तरफ LED टेल लैंप्स, रूफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और ड्यूल टोन बम्पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप गाड़ी का देख रहे हैं इंटीरियर, तो काफी प्रीमियर इंटीरियर इसमें दिया गया है जिसमें एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, नेविगेशन के साथ 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा किया की UVO कनेक्टेड कार एप्लीकेशन भी मिलने वाली है, 12.3 इंच का एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और 12 स्पीकर का बॉस सराउंड साउंड सिस्टम मिलने वाला है और लेदर हीटेड सीटें जैसे सारे फीचर्स कंफर्ट के इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। और कैमरे के माध्यम से ब्लाइंड स्पॉट कॉर्निंग, इसके अलावा मल्टी कॉलिजन ब्रेक सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स दिए हैं गाड़ी की सेफ्टी के लिए। और दोस्तों, किया सोरेंटो को 2.2 लीटर के 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, तो जबरदस्त पावरफुल गाड़ी होने वाली है और सीधे सीधे कंपटीट करने वाली है टोयोटा, हुंडई, टाटा की कई गाड़ियों को। और बात करें इसका इंजन 198 BHP की पावर जनरेट करता है, 440 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ आपको मिलने वाला है 8 स्पीड का वेट प्लेट DCT ट्रांसमिशन जो इसके ग्लोबल मॉडल में भी हाइब्रिड का ऑप्शंस मिलता है, लेकिन इंडिया में क्या पेश किया जाएगा ये आपके लिए हमने जानकारी यहां पर शेयर कर दी है। तो यह है ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन न्यू सोरेंटो जो इंडिया में शीघ्र लॉन्च होने वाली है। तो लुक वाइज और फीचर वाइज आपको ये गाड़ी कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। इसके अलावा किस न्यू गाड़ी के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर वो भी आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप गाड़ी कोई सी भी रन करें हमेशा उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें और जब भी नई गाड़ी परचेज करें सेफ्टी फीचर्स देखकर ही परचेज करें। इसके अलावा कोई सजेशन चाहिए चैनल से तो कमेंट्स में लिखते रहें, आपकी हर क्वेरी का विद इन 24 आंसर दे दिया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।